रोहतक हरियाणा से आए हुए हैं और आज इस महारैली में आप भी भाग लिए हैं, तो आप भी अपना परिचय दीजिए। और सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बहुत बहुत साधुवाद, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद दूंगा SR न्यूज़ को, जिसमें लोगों तक तो आप ये जो है ना जो एक जड़ से कहते हैं ना कि जड़ की न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना, और हम देख रहे थे कि भाई आप वहाँ पर भी पहुंच रहे थे जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए गांधी मैदान में, गांधी पार्क से लेकर बुद्ध स्मृति पार्क ये यात्रा पहुंची है, और उसके बीच में इतनी लंबी यात्रा आज रही है जिसका एक देखने का नज़रिया ही एक देखने को बनता है, एक कहते हैं ना कि भाई एक अलग ही चीज़, इतनी लंबी रैली शायद ही कभी किसी की निकलती होगी। तो ये एक शांति रैली जो आज निकाली गई है, इस शांति रैली का निकालने का जो मकसद था, भाई ये रैली निकाली क्यों गई है, रैली का निकालने का जो मकसद जो था वो ये था कि भाई इसमें जो बौद्धों की धरोहर है, बुद्ध जो इस देश के मुख्य जो इसको कहते हैं ना कि भाई सारे का सारा देश ही बुद्ध है, सारा देश जो बुद्ध है, सारा देश की जब देश की जहाँ भी खुदाई होती है वहीं बुद्ध निकलते हैं, तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, कितनी गजब की बात है। लेकिन जो आज कार्यक्रम हुआ है 17 सितंबर अन्नागारी के धर्मपाल जी की जयंती पर ये कार्यक्रम हुआ, अन्नागारी के धर्मपाल जी ने ही इस धरोहर को जिस धरोहर का सहेजने का काम किया था, हाँ उन्होंने ही इसी को बाहर निकाला, यानी कि लोगों तक दिखाने का काम किया। पूरा जीवन जन्म तो उनका श्रीलंका में होता है, लेकिन कर्म भूमि उन्होंने भारत को चुना अपना, तो कर्म उसकी आज जयंती पे एक शांति रैली निकाली गई, जो कि मैंने बताया कि इस पार्क से लेकर गांधी पार्क से लेकर बुद्ध स्मृति पार्क तक ये रैली निकाली गई, और निकालने का मकसद इसका BTMC, मुख्य मुद्दा इसका BTMC है। भाई BTMC जो है वो मामला है क्या, पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, BTMC जो है बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी, BTMC की फुल फॉर्म जो है BTMC, तो ये BTMC बीमारी है क्या, BTMC का एक्ट कानून जो बना, कानून जो बना 1949 में बना, जब 1949 में बना भारत की आज़ादी से पहले का ये कानून है, और उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, उस समय पर सारे के सारे एक दूसरे धर्म के जिसको हिंदू धर्म कहा जाए और चेयरमैन इसका DC रहता है उसको अपॉर्चुनिटी अवसर दिया गया है, लेकिन बाद में कानून बना 94 में लालू जी ने जो है इसको चार बौद्धों को परमिशन दी गई, तो चार बौद्ध और चार एक दूसरे धर्म के और चेयरमैन DC रहता है आया। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि भाई आज इसके ऊपर रैली निकालने का जो मुख्य उद्देश्य जो था भाई ये बौद्धों की धरोहर बौद्धों को मिले, सिर्फ इतना सा मुख्य उद्देश्य। हाँ बहुत बहुत साधुवाद।